दोस्तों ओप्पो ने लॉन्च किया है ओप्पो F11 प्रो का एक न्यू एडिशन जो कि है एवेंजर एडिशन, और मुझे उम्मीद है आप लोग एवेंजर के बहुत ही बड़े फैन हो और एवेंजर का एंड गेम मूवी जरूर थिएटर में जाके देखा होगा। तो देरी ना करते हुए फटाफट करते इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग, और ओप्पो F11 प्रो के एवेंजर एडिशन के लिए जरूर इस वीडियो को करना लाइक। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो जरूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में दबाए बेल आइकन कि ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक टीआरवी के न्यू एपिसोड में, जहां पे आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं ओप्पो के F11 प्रो के एवेंजर एडिशन का। तो दोस्तों इसी बात पे ठोकना इस वीडियो को लाइक और साथ ही में सब्सक्राइब का भी बटन दबा देना। तो दोस्तों देरी ना करते हुए फटाफट करते हैं अनबॉक्सिंग, पर सबसे पहले इसे निकालते हैं हम अमेजोन बॉक्स से क्योंकि मैंने इसे परचेस किया है amazon.in से। तो दोस्तों अब निकालते हैं ओप्पो का ये बॉक्स, जहां पे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ये पूरा का पूरा ब्लैक बॉक्स है और यहां ऊपर में टॉप में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ ए का साइन जो कि एक एवेंजर का साइन है। बॉक्स के नीचे साइड में देखा जाए तो यहाँ पे एवेंजर एंड गेम ओनली इन सिनेमा लिखा हुआ है। बॉक्स के लेफ्ट साइड में ओप्पो लिखा हुआ है। बॉक्स के बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ओप्पो F11 प्रो, जिसके अंदर आपको मिलता है डुअल कैमरा 48 मेगापिक्सल का, वॉक चार्जर 3.0, 6.5 इंच का फुल HD फुल व्यू डिस्प्ले और हाइपर बूस्ट जिसे कहते हैं रैम बूस्ट, और ये डिवाइस का जो वेरियंट है वो है 6GB रैम 128GB वाला स्टोरेज, जिसकी प्राइस लिखी हुई 31,990 पर ये आपको मिलेगा अमेजोन पे 27,990 रुपीस का, और ये डिवाइस मेड इन इंडिया है। तो जल्दी से कट करते इस बॉक्स को और करते हैं ओपन, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा एक कलेक्शन सर्टिफिकेट, जहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हो यहाँ पे एक बैच है राउंड शेप में गोल्डन कलर का ए, और जो की एक बहुत ही वजन दिखने वाला कलेक्शन सर्टिफिकेट है, और चारों साइड में आपको सिंबल्स मिलेंगे सभी हीरोज के। आप कमेंट करके ये बताइए कि आपका फेवरेट हीरो कौन है। रखते इसे साइड में और देखते बॉक्स कंटेंट को, तो यहाँ पे लिखा है ओप्पो F11 प्रो मार्वल एवेंजर्स का लिमिटेड एडिशन। निकालते इस डिवाइस को, जहाँ पे ऊपर की तरफ आपको F11 प्रो लिखा हुआ मिला है, और रखते इस पैकेट को साइड में, और ये डिवाइस आप देख सकते हो जिसके बैक साइड की बात करे तो वो जबरदस्त लुक है, और यहाँ पे ए का हाफ सिंबल है और सेंटर में दिया हुआ है ओप्पो। ऊपर की तरफ आप देख सकते तो कितने में छोटे एवेंजर का एक लोगो है ऊपर के टॉप में। फिलहाल दोस्तों रखते डिवाइस को साइड में और देखते बॉक्स के कंटेंट को। तो जैसे ही इस लीफलेट को उठाते और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हमें मिलता है केस, जिसके ऊपर कैप्टन अमेरिका का शील्ड का लोगो दिया हुआ है जो कि पकड़ने के लिए बहुत ही इजी है, जिससे हमारा ओप्पो का F11 प्रो एवेंजर एडिशन बहुत ही सेफ है। ठीक इस केस के नीचे रखा हुआ था एक बॉक्स, जिसके अंदर आपको मेरे हिसाब से मिलेगा रीडिंग मैनुअल गाइड और एक सिम रिजेक्टर टूल। रखते हैं इसे भी साइड में और देखते बॉक्स के अंदर और क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रो USB, जो कि बहुत ही गलत बात है, आपको 28,000 रुपए में को यहाँ पे USB टाइप सी मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे और एक चीज हमें जो कि मिलता है 3.5 mm का हेडफोन जो कि है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का, और यहाँ पे जो हमें मिलता है चार्जर वो की है वॉक चार्जर 3.0, जिसकी आउटपुट रेटिंग है 20 वॉट्स की। तो रखते ये सब चीजें साइड में और फाइनली हम बात करेंगे ओप्पो के F11 प्रो के एवेंजर एडिशन के बारे में। सो गाइस ये रहा ओप्पो F11 प्रो एवेंजर एडिशन का डिवाइस, जो कि दिखने में बहुत ही कूल है और एक बहुत ही प्रीमियम लुक आ रहा है इस डिवाइस का। फिलहाल तो हम लोग सबसे पहले करते हैं रिबूट, और मुझे मिला एक हैप्टिक फीडबैक, साथ ही में स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो लिखा हुआ है ओप्पो पावर्ड बाय एंड्रॉइड। अब बात करते हैं इस डिवाइस के फिजिकल ओवरव्यू की, तो राइट साइड में आपको मिलता है पावर अनलॉक के लिए बटन जो की रेड और सिल्वर कलर में है, बहुत ही मस्त दिख रहा है। उसी के ऊपर मिलेगा आपको सिम ट्रे, इस सिम ट्रे को निकाल के देखते कि हमें यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हमें मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट्स, जहाँ पे आप यूज कर सकते हो डुअल नैनो 4G वोल्टी सिम कार्ड या फिर 4G नैनो वोल्टी सिम कार्ड, और साथ ही में एक माइक्रो HD कार्ड जिसे एक्सपांड कर सकते हो 256 GB तक। डिवाइस के टॉप की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ सेंसर्स, और साथ ही में उसके बाजू में आपको मिलेगा 16 MP का F2.0 राइजिंग कैमरा, जहाँ पे एक मैकेनिज्म के सपोर्ट से ये कैमरा ऊपर की तरफ आता है और वापिस ही डिवाइस के अंदर चले जाता है। ठीक उसी के बगल में आपको मिलेगा सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक। डिवाइस के लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा वॉल्यूम रॉकर, और डिवाइस के नीचे की बात करें यहाँ पे आपको मिलेगा अपना नन्ना प्यारा 3.5 mm का हेडफोन जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, माइक्रो USB और स्पीकर ग्रिल। अब बात करें डिवाइस के बैक साइड की, तो यार ये दिखने में एक नंबर है, मतलब जबरदस्त
लुक आता है इस डिवाइस का, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है पेस ब्लू कलर, और यहाँ पे आप अच्छे से देख सको तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा हनीकॉम का डिजाइन, जिससे आपको एवेंजर का ए बना हुआ मिलेगा। वैसे ये जो डिजाइन है बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है और बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है स्मार्टफोन को। अगर आप डिवाइस के बैक के टॉप में देखें तो यहाँ पे छोटू सा एवेंजर का एक लोगो दिया हुआ है। ठीक उसी के नीचे आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जिसका एपर्चर है f1.79, और उसी के साथ में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का f2.4 जो कि एक डेप्थ सेंसर कैमरा है, और ये आता है आपको LED फ्लैश लाइट के साथ। इस कैमरे के ठीक नीचे सेंटर में आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलता है फिंगरप्रिंट का सेंसर, और उसी के नीचे आपको मिलेगा ओप्पो की ब्रांडिंग। वैसे ये एवेंजर एडिशन का जो बैक है ना वो बहुत ही जबरदस्त है और प्रीमियम है। डिवाइस के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6.5 इंच का फुल व्यू फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि एक ब्रेजललेस डिस्प्ले है। इसका मतलब आपको पूरा का पूरा स्क्रीन मिलने वाला है यूटिलाइज करने के लिए, जहाँ पे कोई भी नॉच नहीं होगा ना ही ब्रेजल होगा। इसका रेजोल्यूशन है 1080p का, और यहाँ पे ग्राफिक हमें मिलता है ARM का माली G72MP3। दोस्तों अगर इसमें नॉच नहीं है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे मिलता है एक राइजिंग कैमरा, जो कि 16 मेगापिक्सल का f2.0 का, और यहाँ पे साथ ही में इसको सपोर्ट करता है AI का ब्यूटी टेक्नोलॉजी 2.1। तो दोस्तों हो गया फोन रिबूट, तो फटाफट करता हूँ इस फोन को सेटअप, और बात करते इसके प्रोसेसर की। तो यहाँ पे आपको मिलेगा MediaTek के तरफ से Helio P70, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जिसका क्लॉक स्पीड है 2.1 GHz का। इसमें हमें बैटरी मिलता है 4000 mAh की, और ये भी आता है वॉक चार्जर 3.0, जिसका आउटपुट है 20 वॉट्स का। ये डिवाइस रन करता है कलर OS 6.0 पे, जिसका बेस है एंड्रॉइड 9 पाए। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है गायरोस्कोप, फिंगरप्रिंट सेंसर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, जी सेंसर, एक्सेलोमीटर सेंसर, साथ ही में मैग्नेटिक इंडक्शन सेंसर। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा डुअल नैनो 4G सिम कार्ड सपोर्ट, माइक्रो USB पोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 4.2, 3.5 mm का हेडफोन जैक, GPS और FM रेडियो सपोर्टेबल। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो फेस अनलॉक का फीचर मिलता है, वो भी 16 मेगापिक्सल का राइजिंग कैमरा के साथ, और साथ ही में फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसकी स्पीड बोले तो अनलिमिटेड है, बहुत ही फास्ट है और बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया हुआ है बाकी डिवाइसेस से। दोस्तों कैमरे की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल का f1.79, और साथ ही में 5 मेगापिक्सल का f2.4 जो कि एक डेप्थ सेंसर कैमरा है, और फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का f2.0 का राइजिंग कैमरा, जिससे मैंने कुछ सैंपल शॉट्स लिया है और ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस कैमरे की क्लैरिटी और क्वालिटी कैसे आ रही है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि लो लाइटनिंग फोटोज, पोर्ट्रेट मोड्स, नॉर्मल मोड्स और ऑप्टिकल जूम्स का भी फीचर्स मिलता है। और यहाँ पे जो मैंने फोटो शेयर किया है वो बहुत ही मस्त आया हुआ है, उसके फोटोज और उसकी क्लैरिटी बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए ओप्पो के F11 प्रो के एवेंजर एडिशन को तो ये बहुत ही जबरदस्त फोन है, और बहुत ही प्रीमियम लुक और स्टाइल दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे आपको एक न्यू वेरियंट मिलता है, जो की 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज, और बाकी जितने भी फीचर्स है वो सेम टू सेम ओप्पो F11 प्रो जैसे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और आपको पता चल गया रहेगा ओप्पो के F11 प्रो के एवेंजर एडिशन के बारे में। तो इसी बात पे एवेंजर्स के लिए ठोकना एक जरूर लाइक, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि एवेंजर सीरीज में आपका बेस्ट हीरो कौन है। वैसे मेरा तो आयरन मैन है, पर आप लोग का कौन है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों जाने से पहले जरूर करना इस चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही में शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।